नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं घर में लग जाएं तो भाग्य बदल देते हैं। ऐसे हैं ये पांच पौधे। घर परिवार में कभी नहीं होती सुख समृद्धि और धन की कमी अगर आपके आंगन में हमेशा लगे होते हैं ये पौधे। दोस्तों, किसी भी घर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए ग्रह और वास्तु दशा का ठीक होना बहुत ही जरूरी माना गया है। जिन ग्रहों में ग्रह दोष और वास्तु दोष होते हैं उन घरों में अशांति और दरिद्रता का वास होता है। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह होती है कि आप लोग घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत और जतन करते हैं, इसके बावजूद भी ग्रह दोष और वास्तु दोष के कारण आपको निराशा ही हाथ लगती है। आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर करने के लिए आप किन उपायों को करके इन सब को दूर कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से आपके घर परिवार की दशा को बदलकर एक बार फिर पहले की तरह खुशहाल बना सकते हैं आपके परिवार को। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेड़ पौधों में भी वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर करने की जबरदस्त क्षमता होती है। इसी सिलसिले में हम आपको कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो ग्रहों और वास्तु दोषों की दशा को ठीक करने में आपकी काफी मदद करेंगे। ये पौधे इस प्रकार से है। तुलसी। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए तुलसी मात्र एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी है। तुलसी का पौधा स्वयं में कई तरह के औषधीय गुणों को समेटे हुए है जो कई तरह के रोगों में जबरदस्त लाभ भी पहुंचाता है। इसके साथ साथ तुलसी का पौधा ग्रह दोष को दूर करने में भी बहुत ही मददगार साबित होता है। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर होता है उन्हें अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को रोजाना शाम को तुलसी के पौधे की पूजा भी करनी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक रोजाना शाम को तुलसी के पौधे में दिया जलाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उस घर को धन धान्य से भर देती है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका शुक्र ग्रह शांत होगा बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और परिवार की सुख शांति वापस लौट आएगी। दूसरा पौधा आता है मनी प्लांट का। घर में मनी प्लांट लगाना काफी शुभ माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक घर में लगाया गया मनी प्लांट जितनी तेजी से बढ़ता है उस घर में उतनी ही तेजी से सुख समृद्धि और धन की हर प्रकार से बढ़ोतरी होती है। इतना ही नहीं, मनी प्लांट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है और घर के मुखिया की कई चिंताएं दूर हो जाती है। ध्यान रहे कि मनी प्लांट घर के दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाएं। समी का पौधा। हिंदू धर्म में समी के पौधे को काफी शुभ माना जाता है। समी का पेड़ शनि दोष को दूर करने में काफी कारगर सिद्ध होता है। मान्यताओं के मुताबिक समी के पेड़ में सभी देवता वास करते हैं। शनि दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार की बाई दिशा में समी का पेड़ लगाना चाहिए। समी के पेड़ पर नियमित रूप से सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। आंवले का पौधा। औषधीय गुणों से भरपूर आंवले का पेड़ भी काफी शुभ माना गया है। मान्यताओं के मुताबिक आंवले के पेड़ पर भी देवताओं का वास होता है। घर में आंवले का पेड़ लगाकर यदि नियमित रूप से दिया जलाया जाए तो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहते हैं और घर में सुख शांति के साथ धन का भंडार भी भरा रहता है। अनार। राहु और केतु के प्रभाव से बचने के लिए घर के सामने अनार का पेड़ लगाना काफी शुभ माना गया है। घर के सामने अनार का पेड़ लगाने से राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। कहा जाता है कि रोजाना अनार का एक फूल तोड़कर उसे शहद में डुबोकर भोलेनाथ पर चढ़ाने से सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इन पौधों को अपने घर में लगाकर हर प्रकार से खुशहाली को निमंत्रित करेंगे।